I think in a love story, usually lover is the antagonist. That's very common to happen. But I think Raj, as a guy, is not a Magambo-like villain. You know, he's very real in that sense, and he's someone who you can identify with. Like he's naive too. He's not a manipulative guy. He's himself naive. Like he's gone to London, and now he has an accent, and he uses words like dude and, you know, often and all of that. So he's himself naive, you know, and he doesn't think Rani matches up to his standard now anymore. So I think that too has certain naiveness to this sort of attitude. So I too consider him very, very real. हम तो बहुत thrilled हैं क्योंकि हम लोगों ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग एक हफ्ता पहले ही शुरू कर दी थी और हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. सबसे ज़्यादा हमें इस बात की खुशी है कि जो इंडस्ट्री से लोगों से रिस्पांस मिला है, चाहे ट्विटर पे, चाहे जिन भी लोगों ने अपडेट्स किए हैं, वो कोई कमर्शियल लोग नहीं हैं. वो अपनी जो वो जिस तरह से हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपने खुले तरीके से अपनी भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं, ये बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही रियल. पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग किसी फिल्म के सक्सेस से जल नहीं रहे हैं जबकि उसको पूरी तरह से अपना रहे हैं. तो ये अपने आप में बहुत नई चीज़ है. आई थिंक ब्रेकअप सीन बहुत मुश्किल था, बहुत टायरिंग था, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेनिंग था, जो कि फिल्म की शुरुआत में ही आता है ब्रेकअप सीन. देखिए, एक जो कहानी होती है, यू हैव टू बी ट्रू टू द कॉन्सेप्ट. अब ऐसा तो नहीं है कि लोग ऐसा बैठ के फिल्म बनाते हैं कि आओ कंगना के साथ में. ऐसा तो नहीं कि मेरे डैडी प्रोड्यूसर हैं या मेरे, यू नो. सो आई थिंक किसी तरह से लोग हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स हैं ये, इनमें कास्टिंग होती है. हीरो क्यों नहीं है, राजकुमार हीरो है फिल्म का, विकास हीरो है फिल्म का, हीरोज हैं फिल्म में, मैं हीरो हूँ फिल्म का, तो इसमें क्या बात है. ये फिल्म बहुत ही प्यारी फिल्म है और 100 करोड़ फिल्म क्लब में तो वो फिल्में भी होती हैं जिनको लोग देख के खुद ही कहते हैं हमारा टॉर्चर हो गया. तो ये ऐसी फिल्म है जो सभी को पसंद आ रही है और एक जेन्युइन एंटरटेनर है. अब ये 100 करोड़ में जाए चाहे नहीं जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है. वेरी नाइस एंड आई एम रियली ग्लैड टू मीट यू ऑल, बिकॉज you know, it's really nice to hear the feedback of the film, and I hope you all enjoyed the film. Thank you.